रीवा में शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेकहा मोहल्ले में भाजपा नेता के घर पर बाइक से आए दो नकाबपोश युवकों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग शुक्रवार की शाम तकरीबन 4:30 बजे की गई। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से मोहल्ले में दहशत फैल गई। फायरिंग की वारदात पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल शुक्रवार को BJP नेता सत्येंद्र पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों आक्रोशित छत्री और ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर उतरे थे। शुक्रवार की सुबह BJP नेता के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे थे। उनका आरोप था कि BJP नेता ने पत्नी के चुनाव हारने के बाद छत्री और ब्राह्मण समाज को लेकर सोशल मीडिया में लाइव आकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसको लेकर दोनों ही विशेष समाज के आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने भाजपा कार्यालय सहित सिविल लाइन थाने का घेराव किया। गुस्साए लोग BJP नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। घंटों चले हंगामे के बाद जब सिविल लाइन थाना प्रभारी ने 24 घंटे के अंदर मामले के जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ था। वहीं भाजपा नेता द्वारा सोशल मीडिया में ब्राह्मण और क्षत्रियों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हुए हंगामे पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने BJP नेता सत्येंद्र पटेल उर्फ गुड्डा के खिलाफ शुक्रवार की देर शाम कार्यवाही की और 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसी बीच शुक्रवार की शाम तकरीबन 4:30 बजे भाजपा से सत्येंद्र पटेल गुड्डा के घर पर सफेद रंग की अपाचे बाइक से आए दो अज्ञात नकाबपोश युवकों ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान परिवार के लोग घर के अंदर थे। इस घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। गोली चलाने की घटना पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, लेकिन CCTV फुटेज भी संदिग्ध लग रहा है। CCTV कैमरे की तारीख कुछ और ही बयां कर रही है, जबकि शुक्रवार को हुए विरोध के बाद लोग इस घटना के विरोध प्रदर्शन से जोड़ कर देख रहे हैं। पुलिस द्वारा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये विषय कल संज्ञान में आया था, थाना सिविल लाइन ने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है कि वो फुटेज और वो सब चीज़ों का परीक्षण किया जा रहा है साइबर के माध्यम से। जो तथ्य सामने आएंगे, जो साक्ष्य सामने आएगी, उस हिसाब से कार्रवाई। आरोपियों की भी कोई प्रकट पहचान नहीं हो पाई सर? अभी ये विषय विवेचना में है, अभी स्पष्ट किसी हुआ नहीं है कि जो लोग उसे दिखाई दे रहे हैं वो वीडियो में कौन है। ये क्लियर होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई।